बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम, मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। मैथ टेंथ के सिलसिले में इस वक्त लेक्चर नंबर 8 है और ये जो है हमारा एक्सरसाइज 1.1 का सवाल नंबर 3 के 6 से लेकर 10 तक पार्ट रहते थे, अभी हम उसको हल कराते हैं। तो ये सवालात क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं और ये जो है वो स्केयर मुकम्मल होने के तरीके से हम हल करेंगे। इसका मेथड हमने पिछले सवाल में समझाया जा चुका है, अभी हम सवालात को हल करते हैं और आपको समझाते हैं। तो आइए चलते हैं। ये सवाल की रकम है एक्स स्केयर माइनस टू एक्स माइनस 195 इजिकल टू ज़ीरो। अब यहाँ स्केयर बिल्कुल ही मुकम्मल है, तो आगे एक्स स्केयर माइनस टू एक्स माया इजिकल टू 195 और वो आ गया इसको एक्स स्केयर माइनस टू एक्स प्लस 1। प्लस 1 कहाँ से आया? ये हमने स्केयर को मुकम्मल किया। देखिए ये एक्स का स्केयर है, ये साथ 1 होता तो ये हमें पूरा मुकम्मल हो जाता, यानी हमने प्लस 1 ऐड किया। अब ये 1 का स्केयर है, ये एक्स का स्केयर है और इनका जो आइडेंटिटी 2 है और ये एक्स आ गया, साथ में यहाँ एक 1 होना चाहिए था, वो मल्टीप्लाई 1 में इक्वल गया, तो ये हमारा स्केयर मुकम्मल हो गया एक्स मनफी 1 का। एक्स माइनस वन का इजिकल टू, अब एक जो है ना वो जो है ना एक जब इधर जमा किया था तो एक इधर भी जमा कर लेते हैं, तो ये 196 हो गया। 196 14 का स्केयर होता है, तो दोनों तरफ स्केयर हो गए। एक्स माइनस भी 1 का स्केयर इजिकल टू 14 का स्केयर और ये एक्स माइनस भी 1 इजिकल टू प्लस माइनस 14। एक मतलब प्लस होगा, एक मतलब माइनस होगा, तो एक्स इजिकल टू 1 प्लस 14 एंड एक्स इजिकल टू 1 माइनस 14 और एक्स इजिकल टू आ गया यहाँ 1 प्लस 14 15 और वो ये मनफी 30। ये सवाल हल हो गया, आसान सा सवाल था, इजीली हल हो गया। आगे हमारा सवाल है मनफी एक्स स्केयर प्लस 15/2 इजिकल 7/2 एक्स। ये थोड़ा सा चक्कर दिया गया है इसमें। अब हम हकीकत बात ये है कि इसको हम वो इधर ले आते हैं और वो जो है ना 15/2 को अकेला छोड़ देते हैं, तो ये आ गया हमारा एक्स स्केयर प्लस 7/2 एक्स। अब हम इधर लाए तो ये इजिकल टू 15/2, ये अकेला होगा।